नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बवासीर या पाइल्स के बारे में कि पाइल्स की जो मेडिसिन हम किस प्रकार बनाते हैं और उस मेडिसिन का रामबाण जो फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो जो बवासीर की मेडिसिन है उसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ें लेनी होती हैं, जिसमें से एक है रशौत। तो रशौत आपको करीब 100 ग्राम के आसपास लेनी होती है और मूली का रस, तो मूली का रस भी आपको 1 लीटर लेना होता है। तो मैं आपको कुछ इसकी विधि बताने से पहले बता दूं आपको कि जो बवासीर है, बवासीर में भी खूनी बवासीर या खुश्क बवासीर, इसको मस्से वाली बवासीर भी बोलते हैं, तो ये दोनों प्रकार की बवासीर में रामबाण काम करता है और साथ ही साथ ये फिशर और फिस्टुला जैसी भयंकर बीमारियों को भी ठीक करने में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके जो योग है उसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो हमें सबसे पहले बाज़ार से मूली लानी है और मूली को हमें साफ़ कर लेना है और उन मूलियों को साफ़ करके आप कद्दूकस से या ग्लेंडर में डाल के उसको बारीक कर ले। उसको साफ़ कपड़े में आप रख कर या किसी मशीन द्वारा आप उसका रस निकाल लें। तो 1 लीटर जब रस उसका निकल आए तब आप उसमें शुद्ध रसौत, उसको हम रस अंजन के नाम से भी जानते हैं, जो दारू हल्दी से हमें प्राप्त होता है, उस रस अंजन या रसौत को हमें 1 लीटर रस में करीब 100 ग्राम के आसपास हमें रस अंजन लेना है और इन दोनों को एक कांच के बर्तन में करीब 48 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। ये जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तब आप इनको निकाल लें और इसको या तो आप पीतल के बर्तन में या कलाईदार बर्तन में ले लें और इसको आप हल्की आंच पर इसको उबालें। तो आप अगर जैसे कि अभी मई या जून का महीना चल रहा है तो धूप भी काफ़ी तेज़ होती है, तो मैं इसको सूर्यतापी रूप से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपने चूल्हे पे अगर हल्की आंच से इसको बनाते हैं तो उसमें गैस का भी खर्चा ज़्यादा आता है और उसके थोड़े से गुड़ भी कम हो जाते हैं, क्योंकि गैस कितनी भी आप धीरे चलाएं तो भी थोड़ी बहुत तेज हो जाती है। तो आप इस प्रकार किसी बर्तन में छानकर भगोने में आप रख सकते हैं, इससे भी आप हल्की आंच पर उबालें, उबलते उबलते जब ये गाढ़ा हो जाए तब आप इसकी गोलियां बना सकते हैं। तो मैंने इसका दूसरा भी प्रयोग बताया है, जैसे कि सूर्यतापी, तो आप इसको बड़े बर्तन में या जो खुले मुँह का बर्तन होता है कलाईदार, उसमें इसको रस आप भरकर रख दें छत पे। इसको मैंने छत पे रख दिया है और इस सूखने के बाद देखो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है और इसको हम नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने पर इसको मिक्स करके इसकी हम करीब मटर के बराबर करीब 250 से 500 mg की गोलियां बना लेते हैं। तो इसको प्रयोग इस प्रकार करना है कि आप इसकी गोलियां सुबह और शाम दो दो गोलियां आप पेशेंट के बल अनुसार दे सकते हैं। इससे आपके खूनी बवासीर और बादी बवासीर में 7 दिन में बहुत ही आराम हो जाता है। तो आप इस योग को आसानी से घर पे बना सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। और आपको खाने में थोड़ा सा खटाई या मिठाई या जो बादी चीज़ें हैं कटहल, बैंगन, राजमा ये और मिर्ची मसालेदार युक्त, इनका आपको परहेज करना होता है। तो इस प्रकार आप इस योग का प्रयोग करें और इस बवासीर या पाइल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे ही जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप ऐसे ही जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बराबर में घंटा है उसको आप क्लिक कर दें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें।